तो ये है डिफेंसर, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मिस्त्री आके काम में लग गया, मिस्त्री शुरू कर दिया खोलने के लिए, पूरा खोल रहा है। और मिस्त्री ये खोल के बताएगा क्या बीमार है ना ना। हाँ, तो इसको बोलता है जेसीबी का डिफेंसर और ये बोलता है जेसीबी इसको। तो कल से थोड़ा प्रॉब्लम था, तो यहाँ से ऑयल लीक हो रहा था, इधर से ऑयल लीक हो रहा था, इसका मतलब कुछ बेरिंग वरिंग खाया होगा और इसका सिलकिट खाया होगा। तो जेसीबी का मैं ये खोल के सब रख दिया, तो ताते फले ना खुली वो खाली भले खुली भी हाँ ताते ला खुली बोले काम नहीं। तो अभी ये खोल के देखेंगे और क्या बीमार है क्या है, तो वो सब देखने के लिए कोशिश करेंगे आप लोगों को। जेसीबी ऑपरेटर लोगों के लिए ये खास करके ये वीडियो, तो मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को दिखाने के लिए। ठीक है, फाइनली वो खोल दिया डिफेंसर एक साइड का, तो एक साइड का ही खोलना है मुझे, तो एक साइड का ही खोलना चाहिए थोड़ा। ये देखना, ये है डिफेंसर और ये है ब्रेक का ब्रेक डिश, इसको भी देखेंगे। और ये है पिस्टन, तो और मुझे इसका बेरिंग यह लगता है, तो इसका बेरिंग देखने के लिए अभी हमको ये पूरा खोलना पड़ेगा, तो देखते हैं हम। तो ठीक है, मैं खोलने जा रहा हूँ अभी। जैसे कि अभी इसको निकालने के लिए मेरे को यहाँ से एलन की बोल्ट होता है, ये जैसे कि यहाँ का एलन की बोल्ट खोलना पड़ता है मुझे, तो ये नहीं खोलने से फिर नहीं होगा। ये खोल दिया मैंने, तो ये बोल्ट खोल के हम लोगों फिर इसको अलग करना होगा। कोशिश कर रहा हूँ मैं अच्छा से दिखाने के लिए आप लोगों को, जैसे ही देखना दोस्तों, ये देखना मेरा यहाँ का बेरिंग पूरा चला गया था, बेरिंग गिर गया था, तो देखते हैं अंदर का कैसा है, अभी अंदर से क्या भी देखते हैं। इसको बोलते हैं क्राउन, जैसे कि देख रहे हैं अभी क्राउन को, क्राउन निकल गया, तो अभी अंदर का बेरिंग ठीक ही था, बाहर का बेरिंग गया था। ये देखना दोस्तों, तो ये बेरिंग मेरा सीज हो गया था, जैसे कि ये जो ये तेल पिनियन का ये बेरिंग, इसका अंदर वाला ठीक है, ये बाहर वाला छोटा वाला बेरिंग पूरा सीज हो गया था। तो अभी मैं इसको चेंज करने के लिए गया, तो यहाँ का कॉन्स नहीं निकल रहा था, तो अभी क्या करें, कॉन्स को कॉन्स निकालने के लिए मुझे यहाँ से छीनी मार के निकालना पड़ेगा, जैसे कि देख रहा है यहाँ में छीनी मारने के लिए मेरा कोई जुगाड़ नहीं बन रहा है, तो प्रेशर नहीं मिल रहा है, तो छीनी मारने से। तो फिर मैंने सोचा
मैकेनिक और ऑपरेटर लोगों को मैं दिखा दूँ। तो ये जो पीछे वाला जो हम लोग डिफेंसर में ऑयल डालते हैं, इसका ये खोलना है, जैसे कि ये नट चेक नट खोल देना है, यहाँ से ये चेक नट खोल दिया। और ये हैंडल आप लोगों के पास सभी का पास होगा, ये हैंडल यहाँ से ठीक ये घुसेगा, उसका बाद में जाके यहाँ में कौन से में लग गया, ठीक ये देखना, अच्छा से देखने के लिए कोशिश करना ताकि ये कौन से में लग गया। तो अभी मैं यहाँ से मार्तल मार दूँ, तो यहाँ से मार्तल मार दूँ, ये देखना कौन सा चला गया, अभी कौन सा निकल गया, जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं इसको निकालने का तरीका आसान से, और प्रेशर निकल के निकल गया। ये है एक जुगाड़, नया टेक्निक। तो हम लोगों यहाँ से ही वो हैंडल को डाल के उधर से प्रेशर से मारना होगा। तो ये भी एक, तो ये वाला बेयरिंग मेरा शीश हो गया था, देखना पूरा ख़त्म, ये पूरा ख़त्म हो गया था शीश, इसी का वजह से मेरा प्रॉब्लम दे रहा था और ऑयल भी लीक हो रहा था। तो अभी मुझे ये ऑयल, ये सील लेना है, सील किट, और ये बेयरिंग लेना है। तो अभी मैं इसको लेने के लिए जा रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, तो कल फिर मैं आऊँगा इसको फिटिंग करने के लिए, तब आप लोगों को फिर दिखाऊँगा फिटिंग का वीडियो। The next morning. हाँ तो हेलो हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग सबको। तो फिर आज मैं पहुँच गया ये सामान लेके। तो मेरा मशीन जो है कल ये खोल के रख दिया था मैंने, ताकि तो ये डिफेंसल इसका जो भी बेयरिंग है ये सब खोल के मैंने रख दिया था कल, जैसे कि। तो अभी मुझे ये लगाना है, आज फिटिंग करना है, ताकि ये देखना कुछ इस तरह है, ये देखना ये डिफेंसल इसे कहते हैं। तो मैंने कल इसको खोल के रख दिया था यहीं पे, और इसका जो जो बेयरिंग गया था क्या है वो भी मैं दिखा दूंगा आप लोगों को, तो अच्छा से। और इसका पाइप भी लगाना है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में बने रहना, तो मैं कोशिश करूंगा जहां तक हो सके आप लोगों को अच्छा से दिखाने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लोग काम शुरू करते हैं, जैसे कि देख रहे तो मैं अभी धोने जा रहा हूँ, तो थोड़ा इसको डीजल से थोड़ा अच्छा से धो दूँ, ताकि जो भी कचरा हो है वो सब अच्छा से धोना है। तो मैंने ये बोतल से बना लिया एक, देखना। तो सबसे पहले मैं इसको धो लूँगा, तो जो तो दोस्तों जो बेयरिंग मैंने लेके आया है इसका है, ये तेलपिनियन ये डिफेंशियल का जो गियर बॉक्स में लगता है, तो उसी का बेयरिंग है। तो इसको मैं लगाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मुझे ये धोना है, अभी अच्छा से इसको साफ़ करना है, जैसे कि कचरा हुआ सब हुआ है, तो इसको अच्छा से साफ़ करके तो मैं लगाने जा रहा हूँ। इसको बोलते हैं क्राउन बाइबल सेट, बाइबल क्रॉस भी बोलते हैं। तो इसको भी अच्छा से धो के और लगा दूंगा, ठीक है। आप लोग वीडियो में बने रहना। तो मैं धोने के लिए तरीका अभी है, ये देखना, कुछ मैंने इस तरह से बोतल का भी छेंदा करके होल करके मैंने इसको इस तरह से बना दिया है। ये लोहा का टुकड़ा जो भी है ये सब यहाँ में बैठा हुआ है, तो इसको अच्छा से धोना है हम लोग को, ताकि ये क्राउन का सामान है, इसको बार बार नहीं खोला जाता है, इसको खोलने में बहुत तकलीफ होता है, तो इसीलिए मैंने अच्छा से धोने के लिए बनाया कुछ जुगाड़। और इसको धो के अच्छा से ख़त्म करके गाड़ी ओके करना है आज, तो फिर काम में भी जाना है।
दोस्तों मैं एक मैकेनिक नहीं हूँ, मैं ऑपरेटर हूँ। दोस्तों मैं मैकेनिक नहीं हूँ, मैं एक ऑपरेटर हूँ, फिर भी मैं थोड़ा बहुत बना लेता हूँ मशीन, जो कि अपना रनिंग जो भी काम है अपना से देख के मैं बना लेता हूँ, तो वही मेरा काम है। तो हर कोई ऑपरेटर लोग को भी मैं ये साजिश देना चाहता हूँ ताकि थोड़ा बहुत अपना से करना चाहिए। तो मैं गाड़ी मशीन चला भी लेता हूँ और थोड़ा बहुत मैं बना भी लेता हूँ, जितना हो सके मैं खुद अपना मशीन अपना से बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा जानकारी है मेरे पास, तो ज़्यादा नहीं, तो थोड़ा बहुत मैं बना लेता हूँ अपना से देखना। तो कोशिश कर रहा हूँ अभी। तो इसको मैं धुलाई हो गया, इसका बेयरिंग ठोकने जा रहा हूँ। सबसे पहले मुझे इसका बेयरिंग ठोकना होगा। जो कि ये अंदर वाला जो कौन सा है, ये टेमकिन का, लेकिन ये है यूएसए, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ में यूएसए जो है ओरिजिनल बेयरिंग होता है टेमकिन का। तो मैं ये अंदर वाला जो है वो ठीक है, ख़राब नहीं हुआ, तो मेरा बाहर वाला जो ख़राब हुआ था, तो मैं ये इसको इसी में लगा दूँ ताकि, और जो मैंने लाया है अभी ये भी दोस्तों मैं बता दूं, ये भी टिमकिन का ही बेयरिंग है, और लेकिन ये देखता है ये यूएसए का नहीं है, जैसे कि मैंने दिखाया ये इंडियन बेयरिंग है, देखना ये इंडियन है, और जो वो वाला बड़ा वाला था वो यूएसए, यूएसए मतलब जो ओरिजिनल बेयरिंग होता है यूएसए का। तो इसमें ये भी इतना ख़राब तो नहीं है, टिमकिन का है, लेकिन चलेगा, चलता है। अभी मैं इसी को लगाने जा रहा हूँ। अभी सबसे पहले मुझे यहाँ में इसको बेयरिंग को ठोकना होगा। इस बेयरिंग का कौन सा को इसको बैठाना होगा मुझे। देखना अच्छा से ये कौन सा बैठ गया मेरा पूरा अच्छा से। तो अभी अंदर वाला मैं बैठा हूँ, अंदर वाला भी बैठाना है मुझे। अंदर वाला भी बैठ गया अच्छा से, बैठ गया अंदर वाला भी नहीं कॉल्स। तो अभी मैं इसको अंदर से लगा दूँ, देखना। तो सबसे पहले हम लोगों इसको अंदर से यहाँ में बैठाना है, इस तरह से बैठता है ये, यही है मशीन को घुराने वाला। तो अभी इधर से हमको फिर ये वाला बेयरिंग इधर से ठोकना है, जैसे कि देख रहे हैं आप लोग, इस ओला बेयरिंग को इधर से ठोकना है। तो हो गया अभी मेरा, जैसे कि देखना अभी ये हो गया पूरा ओके। तो ये बैठ गया। तो अभी मुझे फिर यहाँ का ऑयल सील चेंज करना है, ऑयल सील चेंज करना है मतलब सील लेके आया हमें, उस सील को लगाना है। तो इसी जगह पे सील बैठता है, दोस्तों वीडियो ज़रा लंबा होगा, फिर भी मैं छोटा नहीं कर सकता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो इसीलिए मैं वीडियो को लंबाई करता हूँ।
थोड़ा मुझे गम भी देना है। कोशिश करूँगा मैं छोटा से छोटा बनाने के लिए। मेरे पास वो नहीं था तो मैंने हल्का सा ये गम दे दिया, वाइट गम। मैकेनिकल को देता है या नहीं, लेकिन मैंने दे दिया अपना तरफ से। चलो तो अभी इसको बैठाना है इधर से, इस तरह से। तो ये बैठ जाएगा, तो हो गया इसका सिलकिट। तो ये भी हार्ड है थोड़ा, तो इसको अच्छा से ठोकना होगा लोगों, ताकि इसको ठोकने के लिए ये पुराना का सहारा, इसको अंदर में नया है तो ये पुराना वाला है, इसको अच्छा से ऐसा बैठा के तो इसी तरह से ठोक देना है, ताकि आराम से जाके बैठे, ताकि अंदर वाला नया वाला सील ख़राब ना हो और उसको ना ठोके। तो ये पुराना वाला से मैंने उसको ठोक दिया, तो अंदर में वो अच्छा से बैठ गया, ताकि देखना उसको, बस ये हो गया। तो ये पुराना वाला फेंक दो। तो अभी मुझे सबसे पहले मुझे अभी फिर इसको बैठाना है। जैसे कि देख रहे हैं अभी इसको बैठाना है, तो ये इस तरह से जाएगा सिल का अंदर, ये चला गया। तो अभी इसको चेक नट यहाँ से टाइट देना है मुझे, देखना। तो देखना ये दोस्तों, मैंने अभी इसको धुला दिया अच्छा से, तो अभी मैं इसको लगाने जा रहा हूँ। ये देखना अच्छा से, ताकि ये क्राउन है, देखना इसको लगाने के लिए अंदर में भी वो है गियर, थोड़ा दिक्कत आएगा मुझे इसको लगाने में, लेकिन लगाना ही पड़ेगा। ये देखना आराम से बैठ गया ये। तो अभी इस तरह से इसको लगाते हैं, तो अभी फिर मैं इसको बैठाऊंगा। अभी इसको बैठाना है अभी, जैसे कि ये ब्रेक का है ये पिस्टन। तो अभी इसको बिठाना है मुझे कुछ इस तरह से, इसको बिठाना होगा। बस ये अच्छा से बैठ गया। तो अभी मुझे इसका एलिंग की बोल्ट, जैसे कि देख रहे हैं अभी उस दिन मैंने जो खोल के रखा था एलिंग की बोल्ट, जो कि यहाँ में लगता है चार एलिंग की बोल्ट अंदर वाला में, तो उसके बाद में फिर दूसरा लगेगा डिफेंसल। तो अभी मैं ये लगाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों अभी मैंने ये ब्रेक का लगाने वाला है, ब्रेक डिस्क। तो मुझे
तो ब्रेक डिस्क लगाने के लिए मैंने कल ये लॉक खोल के रख दिया था, ब्रेक डिस्क भी चेक करने के लिए। जैसे कि देख रहे हैं ये है, इसी को बोला है ब्रेक डिस्क डिस्क 16, ये फ्रिक्शन प्लेट और ब्रेक डिस्क, जो कि ब्रेक डिस्क कैसा है वो देखने के लिए मैंने कल इसको खोल के रख दिया था। तो अभी मैं इसको फिटिंग करने जा रहा हूँ। कुछ इस तरह से होता है, तो आप लोगों को शायद जानकारी नहीं होगा शायद, तो मैं एक एक करके मैं दिखाने के लिए जा रहा हूँ अभी। जो कि पहले ये तो मेरा ये फ्रिक्शन प्लेट ये बैठ जाएगा, तो पहले मुझे ब्रेक डिस्क हमको हम लोगों को मिलाना होगा। तो इस तरह से एक हो गया, तो उसके बाद में फिर हम लोग फिर एक फ्रिक्शन प्लेट, जैसे कि तो इतना सफ़ा नहीं किया मैंने, तो जैसा ऑयल है वैसे वह मैंने डाल दिया। थोड़ा थोड़ा सफ़ा करके दिखा दूँ आप लोगों को, ये हो गया। तो फिर से एक फ्रिक्शन प्लेट दिया, मेरा तो इधर क्लियर आया ऐसे। तो एक फ्रिक्शन प्लेट गया, तो अभी फिर एक डिश जाएगा, तो इसको डिश को भी थोड़ा मिलाना होगा हम लोगों को। ये होल नहीं मिला है हम लोगों को, होल को मिलाना होगा अच्छा से हम लोगों को, ताकि जैसे कि ये होल ये एकदम सेम टू सेम होना चाहिए, ताकि ऑयल पास होने के लिए। तो हम लोगों को यहाँ में ऑयल इधर से उधर खिलता है, तो उधर से इधर आने के लिए ऑयल को हम लोगों फिर एक हो गया फ्रिक्शन प्लेट, फिर ये हो गया डिश। तो डिश अच्छे है, तो इसको फिर मुझे मिलाना होगा। जैसे कि अभी सामने देखो, जैसे कि अभी ये होल बंद हो गया, तो ये होल बंद होने से नहीं होगा हम लोगों, ताकि ये होल टू होल हम लोग को मिलाना होगा। ब्रेक डिस्क जब फिटिंग करते हैं, इसमें भी थोड़ा गलती हुआ है, मैकेनिक लोग अच्छे से जान जाता है, समझ जाता है, लेकिन ऑपरेटर लोग नहीं समझते हैं, तो इसलिए ऑपरेटर लोगों में थोड़ा समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, ताकि हम लोगों को होल अच्छा से मिलाना होगा। जबकि ये देखिए, ताकि ये होल ठीक से आपका सीधा सीधा होना चाहिए, तब जाके आपका ब्रेक डिस्क सही लगेगा। सही लगेगा मतलब आपको यहाँ से इधर से उधर वो पास होना चाहिए ऑयल। फिर से अच्छा से एक बार समझा दूँ, ताकि इस तरह से अगर होल बंद हो गया, तो आपका ऑयल पास नहीं होगा, इधर से ऑयल खेलता है, तो इसलिए हम लोगों को होल को मिला के लगाना होगा। देखना अभी ये मिल गया मेरा पूरा होल, तो अभी इसको फिर मैं ये देखना दोस्तों, जो है कंपनी का ओरिजिनल, तो इसमें होता है ये एक होल छोटा सा, ये देख रहा है जैसे कि ये देख रहा है, तो ये होगा इसको मिलाने के लिए, ये होल का थ्रू अच्छा से फटाफट मिल जाता है, लेकिन ये था मार्केट का, तो इसीलिए अच्छा से नहीं लग रहा था, थोड़ा टाइम लगा, लेकिन समझना पड़ता है मैकेनिक लोग को और ऑपरेटर लोग को। और ये कंपनी का अभी मैं बैठाने जा रहा हूँ, तो अभी ये लग गया पूरा, तो अभी मैं इसको नॉक प्लस के सहारे ये लॉक लगाना होगा हम लोगों को, इस लॉक को अच्छे से बैठाना होगा, ताकि ये देखना लॉक बैठा दिया, तो अभी ये खुलेगा नहीं, ना इधर ना उधर,
इधर भी उधर भी नहीं जाएगा, तो ब्रेक डिस्क अभी यहाँ सही से लग जाएगा। तो अभी फिर मुझे वहाँ में जाके लगाना है। तो ये देखना दोस्तों, तो अभी मैं इसको ये लगाने जा रहा हूँ अभी। तो अभी मुझे इसका स्क्रू ड्राइवर के सारे इसका सब होल को मिलाना होगा ताकि वो लॉक लगे। तो अभी मेरा ये बैठेगा या नहीं देखना, कुछ इस तरह से, और फिर बैठेगा ये लॉक। ये तीन साइड से, तीनों साइड से इसको आराम से इसको बैठाना है ताकि यही है ब्रेक का मेन काम इसी को। अभी ये मेरा हो गया ब्रेक, ब्रेक पूरा फिटिंग देखना। पूरा फ्री है, ओके है, देखते हैं अभी। तो दोस्तों, तो अभी मुझे वहाँ लगाना है। तो अभी दोस्तों हम लोग उसको लगाने जा रहा है, ठीक है। कोशिश करूँगा, तो कोशिश करने से होगा, कोशिश नहीं करने से नहीं होगा। तो बने रहना वीडियो में। तो हम डाउन कर तो फाइनली ये लग गया, जैसे कि जैसे तैसे बैठा दिया। तो अभी हम लोग ये फिटिंग करने जा रहा हूँ, तो थोड़ा बोल्ट टाइट करके और फिर एक बार चेक करेंगे हम लोग कैसा होता है, जाम है या फ्री है। तो हम लोग बोल्ट टाइट करके, इसको बोल्ट टाइट करके देख लेते हैं ताकि फटाफट इसको हम लोग को एक बार चेक करना होगा। फटाफट से इसको टाइट दे दूं। तो अभी मैं
तो दोस्तों अभी मैं ये क्रॉस लगाने जा रहा हूँ, जैसे कि यूनिवर्सल जॉइन यूनिवर्सल जॉइन भी बोलते हैं, और क्रॉस हम लोग सेफ्टिंग क्रॉस, तो अभी ये लगाने जा रहा हूँ। ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ अभी आप लोगों को अच्छे से वीडियो दिखाऊँ, अच्छे से बनाओ। मैं कोस तो ये हो गया अच्छा से जॉइन लॉक, तो अभी मैं इसको पहले इसका साइड को लगा लूँ। जैसे कि देख रहे हैं अभी आप लोग, ये मैंने ये क्रॉस लगाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा से मेरा वो भी नहीं दिख रहा होगा चेहरा, चेहरे का छोड़ो काम होने से मुझे, तो ये देखना कुछ इस तरह से हम लोग क्रॉस को लगा रहे हैं। ये एलंकी का एलंकी, तो इसी से पहले अच्छा से टाइट देना है, क्रॉस मेन होता है हम लोगों को। ये अगर ये क्रॉस अच्छा से ये एलंकी बोल तो ये टाइट नहीं दिया, तो फिर हम लोग का ये हाइड्रोलिक पम्प, ये ठीक ये सामने में है हाइड्रोलिक पम्प, उसको मार सकता है। तो इसीलिए हम लोग को ये एलंकी बोल तो अच्छा से चेक करना है, और टाइम टाइम में हम लोग को ऑपरेटर लोग को चेक करते रहना है। ये अभी जो नया मॉडल आया है उसका तो ऊपर में साइड में दे दिया हाइड्रोलिक पम्प जो कि इंजन में, लेकिन इसका जो पुराना मॉडल था तो ये गियरबॉक्स का ऊपर में होता है। ठीक, तो इसीलिए एक क्रॉस टूटने से वो हाइड्रोलिक पम्प को मारने का ज़्यादा चांसेस रहता है, तो इसलिए हम लोग को इसको अच्छा से हम लोग को टाइट देना चाहिए। तो देखना तो फाइनली अभी ये लग चुका है, अच्छा से टाइट दे दिया एलिंकी बोल्ट पीछे का बोल्ट। अभी हम लोग को लगाना है ब्रेक पाइप, जैसे कि अभी देख रहे हैं हम लोग लगाना है ब्रेक पाइप, और ब्रेक का हम लोग थोड़ा हवा छोड़ेंगे, उसके बाद में देखते हैं क्या होता है। ये जो अभी हम लोग लगाएंगे ब्रेक पाइप, ठीक है, यहाँ में होता है जो जो कि ये कल खोल के रखा है, दोनों ब्रेक पाइप इधर का एक इसका ले पाना ले 17 का ना है। जैसे कि देख रहे हैं हमें हाइड्रोलिक टैंकी ब्रेक का जो ब्रेक ऑयल डालते हैं, तो वहाँ भी हम लोग ब्रेक ऑयल पहले डालना पड़ेगा, जबकि कल खोल दिया था पाइप तो पूरा खाली हो चुका है। तो मैंने ये हाइड्रोलिक ले लिया जो कि बोतल में डाल के रखा था, तो इससे मैं ये हाइड्रोलिक डाल रहा हूँ जहाँ ये फुल कर दिया, जैसे कि देख रहे हैं आप लोग, जैसे कि देख रहे हैं अभी फुल हो गया। तो अभी मैं ब्रेक मारने देता हूँ, थोड़ा ब्रेक मारो, मार 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 मारो छोड़ो मारो छोड़ो, दूटा भी एक ही लगोते हैं। जैसे कि ये ब्रेक मारते समय थोड़ा हवा जा रहा है तो ये कम हो जाएगा हाइड्रोलिक, कम होते जाएगा। ठीक ठीक बस बस, तो अभी फिर मैं डाल दूँ इसको, और नीचे जाके अभी नीचे जाके मुझे वो ब्रेक का हवा छोड़। जैसे कि अभी यहाँ पे हाइड्रोलिक आ चुका है, ये पाइप में पाइप का लाइन से आ चुका है, तो अभी मैं इसको पाइप को मैं टाइट देता हूँ। देखना ये पाइप टाइट हो गया मेरा, दोनों साइड का अच्छा से टाइट कर देना है,
तो ये पाइप मैं टाइट कर रहा हूँ अभी, जैसे कि यहाँ से अभी मैंने हवा खोलने के लिए, हवा छोड़ने के लिए यहाँ का जो खोल दिया मैंने, देखना तो ये जो है ये खोल दिया, ताकि अभी इसको हवा छोड़ना है। तो अभी राइट साइड लगा हमारे भी, हाँ हाँ, बस मारी ना रखी दबाई ना वैसे, जैसे कि हवा छोड़ दिया तो मैं इसको अभी टाइट दे देता हूँ। छड़ी ना मारे भी, तो छड़ी ना मारे भी टाइट हो से, हाँ टाइट हो से, छड़ी ना मारे भी, हाँ वैसे ना दबाई ना रखे, तो वो हो गया मेरा। तो इस साइड का भी फिर मैं चेक करता हूँ, लेफ्ट साइड ला मार भी, ये भी निकल रहा है, दबाई नहीं रखे भी, इसी तरह से दोनों दोनों साइड का हवा छोड़ दिया मैंने ब्रेक का। तो अभी हम लोग को गाड़ी अभी चक्कर लगा के हम लोग को टेस्टिंग करना है, तो फिर देखेंगे ब्रेक कितना है, बाद में हम लोग फिर देख लेंगे। तो अभी हम लोग चक्कर लगाने के लिए जा रहे हैं, तो अभी हम लोग इसका टायर लगाएंगे, टायर लगाने के बाद में फिर हम लोग ब्रेक फिर चेक करेंगे। चलो ये दोनों मैकेनिक अभी लग गया टायर लगाने के लिए, जैसे कि देख रहा है दोनों मैकेनिक है, वो फोरमैन आ गया और ये मैकेनिक है मेरा, जैसे कि थोड़ा इधर अभी लगने वाला है टायर, जैसे कि अभी लगा ही दिया, देखना थोड़ा डाउन देना पड़ेगा होगा ना, हाँ अच्छा मैं थोड़ा डाउन देने जा रहा हूँ, टायर निकल निकल ताकत लगा ले, टायर लगा ले, थोड़ा डाउन दे, बस ये देखना आराम से लग गया अपने टायर, वो देख